हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का सीपी आलू मल्टी चैनल में। आज मैं अपने बच्चों के लिए मैगी बनाई थी और एकदम सादी बनाती हूँ क्योंकि इन सबको केवल लिक्विड ही पसंद है या फ्राई करने वाला प्याज ये सब डालने वाला खाते नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे ही बनाया हुआ है। मैंने कहा कि आप सबको दिखाते हैं मैंने क्या क्या बनाया बच्चों के लिए। मैंने थोड़ी सी मैगी बनाई थी और अपने लिए थोड़ा सा पोहा बनाया था और यही सब बनाया था। मैंने कहा सबको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या, लेकिन पूरा नहीं, मैंने रिकॉर्ड किया है, पूरा नहीं दिखाया है, थोड़ा मैंने रिकॉर्ड किया है। चलो बनाते हैं, आप सब देखिए और बताना आप सब कैसे हो, कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखिए मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है कढ़ाई में और मेरा पानी गुनगुना हो चुका है, क्या गर्म हो चुका है। उसके ऊपर से मैं तुरंत मसाला भी ऐड कर दे रही हूँ। बच्चों को हल्दी थोड़ा सा डलवाते हैं उसमें, ऊपर से और मसाले ऐड कराते हैं, उसके बाद नमक डलवाते हैं, सब कुछ मैं अलग से भी ऐड करती हूँ। वो सब ऐसे ही खाना पसंद करते हैं, उसमें कोई तली भुनी या टमाटर डाल दो, प्याज फ्राई करके कुछ नहीं, बस ऐसे ही बना दो। तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ, ऐसे आप सबको दिखा रही हूँ। आप सब देख सकते हैं मेरा मैगी मिक्स हो चुका है और ये देखिए धीरे धीरे पकेगा ये, और आप सब देखते रहो इसको अच्छे से। जब पक जाएगा फिर धीमी आंच पे लगा दूँगी और जिससे अपना अच्छे से मिक्स हो जाए, बन जाए अच्छे से, और जब हल्का सा लिक्विड रह जाएगा तुरंत मैं ऑफ कर दूंगी गैस को। और लो फ्लेम पे मैंने बनाया हुआ है, मैंने तेज नहीं गैस रखी हुई है। और ये देखो मैं ढक्कन लगा देती हूँ और उसके 1-2 मिनट बाद 5 मिनट बाद ओपन करूँगी, देखूँगी कि पका है कि नहीं पका हुआ है। और एकदम धीमी आंच पे लगा देती हूँ, देख लीजिए आप सब। ये देखिए मेरी मैगी बन के रेडी हो चुकी है एकदम बच्चों को खाने के लिए, यम्मी यम्मी। बस ऐसे ही खाते हैं, इन सबको ये सब पसंद नहीं है कि मैगी का अच्छे से कुछ बनाओ या फिर फ्राई करके या फिर इसमें सब कुछ ऐड करके, और इनको सबको ऐसे ही खाना पसंद है। क्योंकि मैं मैगी खाती नहीं हूँ और इसीलिए मैं ज़्यादा वो भी नहीं करती हूँ कि नहीं जो है चलो फ्राई करके बनाती हूँ। जो मैगी भी नहीं है, एपी है, और क्योंकि मैगी हम घर में लाते नहीं हैं ज़्यादा, इतनी भी वही होती है। चलो मैं अपने लिए आज बनाई पोहा, मैंने कहा थोड़ा सा ये आलू फ्राई मैंने एक बनाया था। आप चाहे चाट बना सकते हो, चाहे टिक्की बना सकते हो, और जो कुछ भी आप चाहो उसको बना सकते हो आप सब। और मैंने आज आलू दम बनाया था और मैंने कहा थोड़ा सा, बस पूरा मैंने नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि मैंने रेसिपी से शेयर की हुई है और इसीलिए मैंने नहीं रिकॉर्ड किया पूरा। आप सबको दिखाया ही था रेसिपी में कि मैं आलू दम मैं कैसे बनाती हूँ, और इसीलिए मैंने नहीं रिकॉर्ड किया है। आप सब देख सकते हैं इसका अच्छे से, आप चाहे जो भी बनाओ बहुत टेस्टी लगता खाने में, बच्चों को भी पसंद आता बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा। उन्हीं सबके रिकॉर्डिंग हिसाब से बनता भी है क्योंकि हम लोग तो जो भी है अच्छे से खा ही लेते हैं। और छुट्टी थी, संडे था, और इसीलिए सब ऐसे ही मैंने बनाया हुआ है। देखिए मूँगफली भून के रखी, प्याज और मिर्ची हल्का सा फ्राई करने के लिए चूड़े में रखा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं क्योंकि हम ही दोनों को जब खाना होता है तो नॉर्मल इसी में पहले मैं जो है अपना नमक ऐड कर देती हूँ, हल्दी ऐड कर देती हूँ, सब इकट्ठे ही ऐड कर देती हूँ जिससे उसमें कुछ डालना रहे। फ्राई करो, फट से डालो, 5 मिनट के अंदर पोहा बन के रेडी हो जाता है यम्मी यम्मी सा। चलो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। दिखा दे रही है और ये टेस्ट है मेरा कौन सा जो हम बनाए थे आलू दम। ये देखो मेरा पोहा बन के रेडी हो चुका है, आप सब देखते हो। बाय बाय, थैंक यू गाइस।